केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह की बात कर लेते हैं, जो बागपत में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान उनका गुस्सा जिला अस्पताल के सीएमएस पर फूट पड़ा। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। मौका था यूपी के बागपत जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र के उद्घाटन का, लेकिन उद्घाटन से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह नाराज हो गए। उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को फटकार लगानी शुरू कर दी। मैंने बोला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी होना चाहिए, प्रधानमंत्री से बात कराना किसी आदमी की वजह, हमारे सब नेता लोग हैं। एक बार प्यास किया था, लेकिन बड़े यहाँ चीज भाई तुमने डायरेक्ट करी, हमारे अभी आधा घंटा अभी कराइए। ठीक है, हाँ दो दिन से आप लोग इधर तैयारी, अब तक क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? पता क्या है, हम ये कुछ सुने बात में करा लोगों से प्रधानमंत्री। मंत्री जी के गुस्से की वजह थी जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था का न होना। दरअसल सत्यपाल सिंह ने पहले ही सीएमएस को उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बागपत की जनता से बात कर सकते हैं, लेकिन उद्घाटन के समय तक ये व्यवस्था नहीं हो सकी, जिससे मंत्री जी का पारा चढ़ गया। मंत्री जी की लाख फटकार के बावजूद भी यहां सब कुछ ढाक के तीन पात रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई और आखिरकार मंत्री जी ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कर दिया। आप मेरे सामने बात कर रहे हो, पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि हुआ क्या हुआ। प्रधानमंत्री कार्यकाल विस्तार का काम करते हैं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।